नमस्कार दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में मैं अपलब सक्सेना राजभाषा पखवाड़ा को समर्पित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का और हमारे करोड़ों दर्शकों का स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं क्या बात है? बातिया अपने आप क्या बात है राजभाषा पखवाड़ा यह हर वर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है राजभाषा हम कैसे कहते हैं हिंदी हिंदी को कहते हैं हिंदी सिर्फ हमारी ना केवल एक पहचान है बल्कि अगर मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा हमारी संस्कृति हिंदी हमारे साहित्य से जुड़ी हुई है हिंदी हमारी परंपराओं का भी हिस्सा है तो अगर हम हिंदी की बात करें तो आज सिर्फ हम हिंदी के महत्व को ही नहीं बल्कि हिंदी के प्रति अपने प्रेम और सम्मान दोनों को उजागर करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं अगर मैं आपको हिंदी के बारे में बात बताऊं स्पेसिफिकली एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है हम भारतवासी तो हिंदी को अपनाते ही हैं बोलते ही हैं प्यार भी करते हैं लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो विश्व भर में बोली जाती है और अपनाई हुई है अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या बात कर रहे हैं आप अपलव ऐसा थोड़ी ना है पूरा विश्व क्या हिंदी बोलता है मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं जैसे कुछ शब्द आपने सुना होगा एक बहुत लोकप्रिय गाना है एक बंगला बने न्यारा बंगला जो इंग्लिश में क्या बना बंगलो इसके अलावा जिससे आप पानी पीते हैं बोतल जो इंग्लिश में थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ और क्या बना बोतल जिनसे आप शिक्षा लेते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं गुरु और बाहर का कहा जाता है उनको गुरु इसके अलावा योग दूरदर्शन के पहले कार्यक्रम आप उठा लें कुछ फिल्मों को आप देख लें पहले गांव में लूटपाट के लिए कौन जाता था डकैत जिनको इंग्लिश में क्या बोला गया द्वाइट तो बहुत सारे शब्द मैं इस तरह से अनगिनत शब्दों को आपको बता सकता हूं जो आज शब्द कोश जो अंग्रेजी शब्दकोश है उसमें भी शामिल किए गए हैं और दुनिया में बोले जाते हैं तो हिंदी अपने आप में इतनी प्यारी भाषा है एक बार हिंदी के लिए वापस से तालियां जो लार तो आइए मिलकर हिंदी की विविधता और सुंदरता को जानने के रोमांचक यात्रा में साथ में चलते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी की तालियां वापस से हम सबके लिए एक बार जोरदार होनी चाहिए मैंने अभी आप लोगों से एक बात बोली कि हिंदी हमारी परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है एक और चीज हमारी परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो है अतिथि देवो भवा इसका मतलब समझते हैं आप क्या होता है इसका मतलब जी हां अतिथि भगवान के स्वरूप है भगवान के बराबर हम उनको दर्जा देते हैं तो इसी परंपरा को निभाते हुए मैं गुजारिश करना चाहता हूं उप महानिदेशक अभियांत्रिकी एवं हमारे कार्यालय प्रमुख श्री सतीश देपाल सर को एक बार प्लीज जोरदार तालियां सतीश सर के लिए हो जाए नमस्कार आज अत्यंत प्रसन्नता और उल्लास का विषय है कि दूरदर्शन प्रांगण में हम राजभाषा पखवाड़े के तहत आद, आज आज राजभाषा के उन्नयन के लिए और उसके प्रचार प्रसार के लिए और जन चेतना जन चेतना जागृत करने के लिए एक हम राजभाषा हिंदी पर प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर हम उपस्थित हुए हैं और मैं आज इस शुभ अवसर पर जो आयुर्वेद कॉलेज और हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय व अन्य स्कूल के छात्र छात्राओं का मैं दूरदर्शन प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और इस अवसर पर हमारे आ, आ, श्री संजीव शर्मा साहब जो हमारे कुलपति हैं राजस्थान अप आयुर्वेद विश्वविद्यालय के और वंदना कला मैडम है एच है म्यूजिक डिपार्टमेंट के और श्रीमती मीना रानी मैडम है असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन इनका भी जो है मैं दूरदर्शन प्रांगण में स्वागत करता हूँ और हमारे अन्य विभागों से अन्य विभागों से भी जो हमारे उपस्थित हुए हैं अग्निहोत्री जी राजभाषा अधिकारी जीएसआई से और अन्य सभी का मैं आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष हम राजभाषा की हिरक जयंती वर्ष मना रहे हैं 14 सितंबर उन्नीस को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था दूरदर्शन केंद्र सतत रूप से राजभाषा हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है राजभाषा प्रोत्साहन के लिए हमारे कार्यालय ने कई नवाचारी कार्य प्रारंभ किए हैं सूचना पट्टिका पर हिंदी का प्रतिदिन एक शब्द एवं उसका अर्थ नियमित रूप से लिखा जा रहा है हर तीन महीने में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन केंद्र पर नियमित रूप से हो रहा है और उसके साथ ही विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक भी समय समय पर आयोजित की जा रही है इसके लिए मैं राजभाषा विभाग के जो हमारा कक्ष है उसके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूं और हमारे केंद्र के विभिन्न जो सेक्शंस के हेड हैं सीमा मैडम है हमारी जो न्यूज हेड है उन सबको मैं उनका उनको भी बधाई देता हूं कि उनके रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग के, के कारण हम राजभाषा को जो है अच्छा जो है स्थान दिला पाए हैं प्रतिवर्ष भा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है और पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रकार की हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है हाल ही में 14-15 सितंबर 2024 को भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन में हमारे केंद्र के तीन अधिकारियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी और हिंदी पखवाड़े के दौरान राजभाषा आधारित कई कार्यक्रम दूरदर्शन केंद्र जयपुर द्वारा प्रसारित हो रहे हैं और इनमें मुख्य रूप से राजभाषा आधारित प्रश्नोत्तरी कवि गोष्ठी और सृजन कार्यक्रम शामिल है जो कि इसी राजभाषा पखवाड़े में आयोजित किए जा रहे हैं और मैं दूरदर्शन केंद्र की ओर से समस्त दर्शकों और को हिंदी पखवाड़े की शुभकामनाएं देता हूँ और जय हिंदी जय भारत के उद्बोधन के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये अपना लक्ष्य को प्राप्त करेगी धन्यवाद जय हिन्द बहुत बहुत धन्यवाद सतीश सर और ये बहुत ही अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है कि हिंदी को लेकर के जो हिंदी का महत्व है जब हम उनको राजभाषा कहते हैं तो उसका महत्व कितना समझते हैं हम दूरदर्शन कितना समझता है आप लोग कितना समझते हैं आज प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का जब आपको पता चला कि इसका आयोजन हो रहा है आप सब ने बढ़ चढ़ के इसका हिस्सा लिया मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दूरदर्शन के पूरे परिवार की तरफ से अपने लिए एक बार तालियाँ ज़ोरदार बजा दीजिए तो शुरुआत करें प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की जहां आएंगे मेरे सवाल और आपके जवाब तैयार हैं आप एक साथ बोलना पड़ेगा मतलब जोश से क्या तैयार हैं आप ये, सर। ये बात अब गई ना आवाज बाहर तक मतलब ऐसा जोश होना चाहिए तो मेरा पहला सवाल आपके पास आ रहा है आपको मुझे बताना है कि जो हमारी भाषा है हिंदी ये हिंदी भाषा की लिपि क्या है बाप रे तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा आपको यह भी बताना है कि यह किस प्राचीन लिपि से विकसित हुई है ओ, अभी भी अच्छा चलिए देखते हैं कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा होना चाहिए ये देखिए दो हाथ खड़े हैं क्या बात है और उन्हें भी कर लिया बट इन्होंने पहले किया था इनसे बात करते हैं जी नमस्कार सभी को हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है ये वर्णमाला पर आधारित है और इसको प्राचीन भाषा लिपि से माना गया है इतनी सारी जानकारी, नाम नाम क्या आपका? मेरा विजय लक्ष्मी शर्मा और मैं भजन गायिका हूँ लग रहा है आपके चेहरे पे काफी तेज है मतलब वो दिख रहा है भजन? से संबंधित सारे कार्य मैं भक्तों में ही रहती हूँ ज्यादा भक्ति करती हूँ भगवान की मैया जी की आज मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि मैंने आज आपका प्रोग्राम कई बार देखती हूँ तो आज यहाँ आने का अवसर मिला और मैं आई क्योंकि आज समय भी था तो मैं चल देखते हैं कैसा प्रोग्राम रहता है उनका सामने से एक सुनना और सामने से सब ऑडियंस के सामने देखना तो बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है बात मैं है। आपको एक गीत सुनाती हूँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी पहले सभी मेहमानों को मैं प्रणाम करती हूँ पीढ़ी को इसने है और आशीर्वाद प्रदान करती हूँ कि नशा मुक्त हो देशभक्त हो और मात्र भक्त हो यही आपके लिए अनिवार्य है हमारे संस्कार इन संस्कारों को लेकर चलोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे तो मैं आप हिंद दिवस पर हिंदी की हिंदी भाषा के अवसर पर एक की सुनाती हूँ जी, जी। है प्रीत जहाँ की रीत सदा हम गीत वहीं के गाते हैं इस देश के रहने वाले इस देश की बात सुनाते हैं है प्रीत जहाँ की रीत सदा हम गीत वहीं के गाते हैं इस देश के रहने वाले हैं इस देश की बात सुनाते हैं गोरे का भेद नहीं मातरम् वन्दे मातरम् बात है तो स्वीकार करना होगा आपको बहुत ही शानदार गायन और बहुत ही सही जवाब ऊपर तालियां तो लक्ष्मी जी बिल्कुल सही जवाब आपका और बहुत ही आपने सुंदर गाना प्रस्तुत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवनागरी जी हां ये हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी नागरी और आपने जैसे बताया कि एक वर्णमाला पर आधारित है और यह लिपि प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है जो भारतीय उप महाद्वीप की पहली लिपियों में से एक मानी जाती है मतलब कितनी पुरानी है आप इसको इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये ना केवल हिंदी बल्कि संस्कृत मराठी और अन्य कई भाषाओं के लिए भी प्रयोग की जाती है एक बार तालियां जोरदार बनती हैं अब जब प्रश्नोत्तरी की बात होती है तो जैसे अभी सतीश सर ने बताया कि हम कोशिश करते हैं कि अच्छा कंटेंट अच्छी इन्फॉर्मेशन ज्ञान आगे बढ़े और मैं एक छोटी सी बात आपसे साझा करना चाहता हूं आप जानते हैं आजकल कैब्स बहुत चलती हैं आमतौर पे हम लोग एप्लीकेशन के थ्रू कैब्स बुक करते हैं और ये मैं क्यों बता रहा हूं उस बात पे मैं आऊंगा तीन चार दिन पुरानी बात है मुझे कहीं जाना था मैंने एक कैब बुक करी कैब ड्राइवर मेरी तरफ़ देख रहा था आ, तो देख रहा होगा तो उसने मुझसे पूछा जब मैं जब मेरी राइड कंप्लीट हुई मैंने उसको पेमेंट करने के लिए उससे मांगा स्कैनर तो कहता आप लव आप आपको मैंने कहीं देखा नाम तो मेरा नहीं जानता था वो आपको मैंने कहीं देखा है तो मैंने कहा देखा, तो देखा होगा आपने तो कह आप टी पे आते हैं क्या तो मैंने कहा मैं प्रोग्राम करता हूँ प्रश्नोत्तरी करके सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और आपका प्रोग्राम मैं नियमित देखता हूँ क्योंकि आपके जो सवाल हैं वो मैं वहाँ काम आते हैं ये बात मैंने आपसे क्यों शेयर करी क्योंकि इस प्रोग्राम इस तरह के प्रोग्राम बनाने के लिए हमें जो मोटिवेट करते हैं सतीश सर को आप सुन चुके हैं एक और पर्सनैलिटी को मैं बुलाना चाहता हूँ हमारी कार्यक्रम प्रमुख एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए सीमा विजय मैम के लिए बहुत धन्यवाद आप लोग आदरणीय सतीश देपाल सर ने बहुत सही बात कही कि आप लोग जो हैं हमारी देश की भावी पीढ़ी है और आप लोग अगर हिंदी को प्यार करेंगे आप ये मानते हैं कि हिंदी हमारे मान की हमारे सम्मान की हमारे स्वाभिमान की भाषा है तो हम लोगों को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है हिंदी हमारे मन की भाषा है हमारे मन के सुख और दुख के क्षणों में हमें सिर्फ हिंदी में ही हमारे मुंह से उद्गार निकलते हैं आप चेक करके देख लीजिएगा कभी भी किसी दूसरी भाषा में आपके मन से न खुशी का न दुख का कोई भी शब्द निकलेगा तो यही हमारे स्वाभिमान की भाषा है और आप सबके दमकते हुए चेहरे देख कर आप लोग यहाँ आए हैं हम लोग बहुत आभारी हैं और आश्वस्त हैं कि हिंदी हमारे देश की जो भाषा है उसका प्रचार प्रसार आप सब लोगों के माध्यम से दूर तक होगा और देश का मान आप सब आपकी पीढ़ी अवश्य ही बढ़ाएगी हम पूरी तरह आश्वस्त हैं बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सीमा विजय मैम तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ इस सवाल का जवाब अगर आपने सतीश सर को ध्यान से सुना होगा तो हिंट में दे रहा हूँ आ चुका है मैं फिर भी ये सवाल पूछता हूँ देखता हूँ कितने लोगों ने ध्यान से सुना था आपको मुझे ये बताना है कि हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला था कितना ध्यान से सुना है इसमें लेकिन ट्विस्ट है किस संविधान संशोधन के तहत मिला था मतलब संविधान संशोधन कब पारित हुआ था वो आप अगर मुझे साल बता देंगे तो फिर सोने पर सुहागा एक दो हाथ नीचे हो गए जैसे मैंने कहानी में ट्विस्ट डाला डबल डबल हाथ ये देखिए आप लालच आदमी में जब भरा होता है तो इस तरह के परिणाम सामने आते हैं, कोई बात नहीं हम जिन्होंने जोश से हाथ खड़ा किया हुआ है हम उनके तरफ आएंगे स्माइल भी है चेहरे पे आपके तरफ आएंगे हम जी चौदह सितंबर उन्नीस और दूसरा सवाल जो मेरा था और संविधान संशोधन छब्बीस जनवरी उन्नीस गलत इनाम तो मेरा है ये कैसे लेके जा रही है अच्छा ये क्या सही है या गलत जवाब है सही, है, सही, सही लालची लोगों की कमी नहीं आप आप। है। आपने नाम बताइए आप डॉक्टर मेघा धनखड़ डॉक्टर मेघा धनखड़ डॉक्टर हैं आप अच्छा किस चीज के डॉक्टर हैं आप आयुर्वेद बी एम एस नमस्कार एक बार हो जाए जोरदार हाँ हाँ मैं आप ही की तरफ देख रहा हूँ गलत कितने जोश से आपका स्वर निकले लेकिन जवाब गलत नहीं है जवाब सही है इरादे तो गलत नहीं थे कि इनाम मेरे पास नहीं आ रहा है नहीं नहीं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है आप प्रार्थना कर सकती हैं हो सकता भगवान सुन ले जोश जुनून से आप हाथ खड़ा करेंगे तो आ जाएंगे बट टालें एक बार ज़ोरदार हो जाए दोबारा से अपने अभी सतीश सर ने इस डेट को बोला था आपको बताया था इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन में हिंट भी दी थी जी हाँ फोर्टीन ऑफ सेप्टेम्बर चौदह सितंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन उन्नीस सौ उनचास को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और बिल्कुल आपने सही बताया छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी प्लीज़ एक बार जोरदार वापस हो जाए अच्छा गौरवान्वित करने वाले पल कितने सारे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा को विश्व में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है मैंने कुछ शब्द आपके साथ साझा किए और भी बहुत सारे शब्द हैं समय कम पड़ जाएगा इतने शब्द हैं इसके अलावा भी बहुत गौरवान्वित करने वाली बातें हिंदी से जुड़ी हुई हैं उनमें से मैं एक आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जयपुर को हाल ही में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा शील्ड प्रदान की गई है उनको सम्मानित किया गया क्या बात है जोर जोरदार बनती इस समय तो ये सम्मान जिनको प्राप्त हुआ उस विश्वविद्यालय के कुलपति जी जी हां मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर संजीव शर्मा सर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं हमारे साथ मंच पे ज्वाइन करें और तालियां जोरदार निर्सी डॉक्टर साहब के लिए पहले तो दूरदर्शन परिवार में आपका स्वागत है बहुत बहुत मुबारकबाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने इतना बड़ा सम्मान प्राप्त किया है थोड़ा सा आपके दो शब्द जानना चाहेंगे इस दिन के बारे में और इस पखवाड़े के बारे में धन्यवाद सक्सेना जी सबसे पहले तो मेरा दूरदर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार यहाँ पर उपस्थित सभी दूरदर्शन के अधिकारी और यहाँ जितने प्रतिभागी हैं उनको सबको मेरा नमस्कार और हिंदी पखवाड़े की सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भारत सरकार का एक आयुर्वेद का महत्वाकांक्षी संस्थान है और ये संस्थान ये प्रयास सदैव करता रहता है कि हमारे यहाँ से जो शिक्षित होकर के छात्र निकलें वो भारत भारतीयता राष्ट्र राष्ट्रीयता अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति और अपने संस्कार से ओतप्रोत होकर के निकलें क्या बात है? उसी दिशा में हमारा ये प्रयास रहता है कि हम जो भारतीय ज्ञान परंपराएं हैं उनको लगातार बढ़ावा दें और उसमें एक है हिंदी जिसका पखवाड़ा अभी हम मना रहे हैं जी और हिंदी के प्रचार प्रसार उसके उन्नयन के लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं और हमारे प्रयासों को सराहनीय मान करके जो जैसा आपने बताया कि न, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो है उन्होंने हमें प्रथम पुरस्कार दिया है और ये हमारे लिए गर्व की बात भी है लेकिन साथ ही हमारे ऊपर जिम्मेवारी भी है कि हम इस जिम्मेवारी को जो हिंदी के उन्नयन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं वो सदैव करते रहें और क्यों ना करें क्योंकि हिंदी हमारे हमारे क्योंकि हम सभी के हालांकि भारत जो है वो विविधताओं से भरा देश है भौगोलिक विविधताएं हैं सांस्कृतिक विविधताएं हैं और कई तरह की विविधताएं हैं लेकिन हमारी सभ्यता एक है हमारे संस्कार एक हैं हमारी राष्ट्रीयता एक है हमारी भावनाएं एक हैं हमारी परंपराएं एक हैं है, तो क्यों ना ऐसा एक प्रयास करें जिससे हम एक सूत्र में अपने आप को पिरो सकें और उसका सबसे उत्तम माध्यम सभी सबसे उचित माध्यम हिंदी है क्या बात और हिंदी को बढ़ावा देने की अगर हम बढ़ावा देते हैं तो निश्चित रूप से हम पूरे देश को पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोते हैं और उसके लिए हम अपने संस्थान में कई तरह के प्रयास करते रहते हैं और जो मुख्य प्रयास हैं वो संपूर्ण जो हमारा कार्यालय का कार्य है संपूर्ण शत प्रतिशत कार्य हमारा हिंदी में होता है शत प्रतिशत कार्य हिंदी में होता है बहुत बढ़िया। हम संस्थान के अंदर जो पखवाड़ा है पखवाड़ा तो मनाते हैं अभी तो हम जो सितंबर माह है उसका पूरा एक हिंदी के लिए पूरा माह हम समर्पित करते हैं पूरे माह में हमारी कई तरह की गतिविधियां प्रतियोगिताएं ये चलती रहती हैं इसके साथ साथ हमारा जो पत्राचार है जहाँ अंग्रेजी से पत्र हमें प्राप्त होते हैं या दक्षिण भारत से प्राप्त होते हैं वहाँ पर हम हिंदी में या द्विभाषी द्विभाषी पत्राचार करते हैं और सबसे अच्छी बात हमारे संस्थान में यह कि मेरे संस्थान का प्रत्येक कर्मचारी चाहे वो दक्षिण भारत से है उत्तर से है पश्चिम से है या पूर्व से सारे हिंदी से हिंदी का प्रशिक्षण उनको प्राप्त है और मेरा संस्थान हिंदी के प्रशिक्षण के लिए चयनित भी है वहाँ परीक्षाएँ वहाँ पर, ये ये पर आयोजित की जाती हैं ऐसा वहाँ पर ये है और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ विदेशी छात्र आते हैं और विदेशी छात्रों को हम हिंदी का प्रशिक्षण देते हैं और मतलब वो है? जब यहाँ से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो वो हिंदी कि एक तरह से अच्छे विद्वान होकर के निकलते हैं और हिंदी नहीं अभी तो इससे एक और कदम बढ़ करके हम संस्कृत का ज्ञान भी उनको देते हैं क्योंकि संस्कृत जो है आयुर्वेद की भाषा है और आयुर्वेद को समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान बहुत आवश्यक है और वो जो विदेशी छात्र आते हैं विदेशी छात्र एक तो नेपाल या श्रीलंका जैसे छात्र हैं जो हिंदी के कुछ नजदीक हैं नेपाल में तो हिंदी बड़ी अच्छी बोली जाती है लेकिन ऐसे देशों के छात्र जैसे रसिया ईरान अफगानिस्तान मलेशिया थाईलैंड ब्राज़ील ये ऐसे देश हैं जहाँ हिंदी अक्सर नहीं बोली जाती है लेकिन वो लोग भी यहाँ से हिंदी का ज्ञान लेकर के जाते हैं और हिंदी में ओत-प्रोत होकर होते होके जाते बात हैं बात और हमारी संस्कृति से परिचित होते हैं आपने मुझे यहाँ बुलाया मैं दूरदर्शन का और सक्सिना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबको नमस्कार हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े की बहुत बहुत बधाई क्या बात है जोरदार हो जाती बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर बातें इतनी सरलता से कैसे की जाती हैं अभी तीन शख्सियतों ने आपके सामने उदाहरण दिया है तालियां तीनों के लिए जोरदार से भी जोरदार होनी चाहिए चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ मेरा अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास ये कि हाथ खड़े नहीं हुए मुझे लगा हाथ खड़े हो जाएंगे अभी हो रहे थे हाथ मैं कुछ बोलना चाह रहा था तो बोले पहले ही हाथ खड़ा कर दो इनाम मिल जाएगा ठीक है सवाल मेरा यह है कि आपको बताना है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है आप टांग भी खड़ा कर लीजिए हो सकता है मैं आ जाऊं दो हाथ तो खड़े हो चुके हैं जोश स्माइल देखो मैं थोड़ा सा हो गया हूं, लेकिन जाना चाहिए भगवान ने शायद सुन लिया कि बह, बहुत पहले हाथ खड़ा किया था और बड़ा दुख था इनको जी अनुदीन त्यालीस मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया माइक मैं पास है रहा हूँ अब दोबारा बोल दीजिए अनुच्छेद तीन सो ती में। नाम बताइए अपना पायल पायल गलत जवाब है ना इनका अरे बोलना ऐसे ही था <स्थास्था> हमें ना बोलना ऐसे ही था इन्होंने तो ये बोला गलत तो मैं इसलिए पूछ रहा था आपको बोलना ऐसे गलत फिर वो बात सही है कि इनका जवाब सही था ताले पर वापस हो जाए पायल के लिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका अनुच्छेद 343 343 भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 343 में किया गया है इस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है और साथ ही साथ में इस अनुच्छेद में ये भी बताया गया है कि केंद्र सरकार की कार्यवाही में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग किया जाएगा इसके अतिरिक्त यह अनुच्छेद हिंदी के विकास और प्रसार के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान करता है तो एक बार तालियां जोरदार होनी तो। <laughs> चाहिए अच्छा हम हिंदी के महत्व की बात कर रहे हैं राजभाषा की बात कर रहे हैं हमने दुनिया में भी बात करी कि राजभाषा किस तरह से बोली जाती है अपनाई जाती है एक और बात है जो हमें अपनानी है जो हम अपनाते भी हैं लेकिन इस माध्यम से मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूं और हमारे करोड़ों दर्शकों से भी गुजारिश करूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी एक सोच है क्या सोच है स्वच्छ भारत की सोच वो चाहते हैं कि भारत में स्वच्छता रहे भारत में अखंडता रहे और इसीलिए उन्होंने एक मुहिम को का आह्वान किया है जो है एक पेड़ माँ के नाम तो हम सब का ये कर्तव्य बनता है क्योंकि मुहिम जुड़ी हुई है स्वच्छता से मुहिम जुड़ी हुई है हरियाली से मुहिम जुड़ी हुई है हमारे अपने आप से अपने देश से तो हम सब को एक पेड़ जरूर लगाना लगाएंगे आप लोग yes, आवाज ही नहीं आई लगाएंगे आप लोग yes, और आप लोगों को भी लगाना है तो एक पेड़ माँ के नाम आप जरूर लगाएं हरियाली को फैलाएं देखिए ग्रीन ग्रीन सब जगह प्रमोट हो रहा है इसलिए आपको भी करना है तालियां प्लीज़ एक बार जोरदार हो जाए अब देखिए दूरदर्शन अपना काम कर रहा है किस तरह से हम प्रमोट करें किस तरह से लोगों को अवेयर करें दूरदर्शन अपना काम कर रहा है करता भी रहेगा लेकिन एक और शख्सियत हमारे बीच में आई हुई है मैं उनको यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा और उनको साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट करूँगा वो भी अपने कॉलेज जा कर के इन बच्चों के अलावा जो आज उनके कॉलेज से आए हुए हैं प्रमोट करें अवेयर करें सिर्फ राजभाषा को ही नहीं स्वच्छता को भी जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन मीना रानी मैम की प्लीज़ मीना मैम एक बार जोरदार हो जाए मीना मैम के लिए मीना मैम बहुत बहुत स्वागत है आप राजस्थान कॉलेज से हैं और आपसे ये गुजारिश तो मैं करना चाहता हूँ साथ ही आपके दो शब्द इस राजभाषा पखवाड़े को है आभार, जीव का आभार और साधुवाद इस हिंदी पखवाड़े को मनाने के लिए दूरदर्शन का हिंदी हमारे सांस्कृतिक गौरव का विषय है मन की भाषा है सीमा जी ने बताया बहुत ही अच्छे शब्दों में हमारे वाइस चांसलर बैठे हैं आयुर्वेद विश्वविद्यालय के उन्होंने बताया कि हिंदी का प्रचार प्रसार किस तरह से कर रहे हैं मुझे लगता है कि सांस्कृतिक गौरव का विषय होने के कारण और जिस तरह से आपने बताया कि हमारे महाविद्यालय में हिंदी का प्रश्न है तो कहीं भी हिंदी की कोई हमसे चूक नहीं होती क्योंकि राजस्थान प्रांत में हिंदी को लेकर हमारे यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों में हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले विद्यार्थी ज़्यादा हैं जहाँ तक हमारे आने वाले कोर्सेज़ का प्रश्न है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी लागू की है भारत सरकार ने और यदि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक क्लोज देखेंगे तो हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को उसमें शामिल किया है इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से और भारतीय ज्ञान परंपरा की मूल भाषा या तो संस्कृति है या हिंदी ही है उसको समझने के लिए हमारे यहाँ एक सेंटर बनाने का भी विचार चल रहा है और इसके अतिरिक्त हिंदी को जो पहले हम मानते थे कि रोजगार की भाषा नहीं बन पा रही है ज्ञान की भाषा नहीं बन पा रही है उसके लिए यदि आप देखेंगे कि लगातार हिंदी में आ, इसके लिए आपको थोड़े से आंकड़ों की बात मैं बताना चाहूँगी यदि वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे तो हिंदी सबसे दूसरे नंबर पर इस्तेमाल करने वाली भाषा है और यदि आप इंटरनेट पर देखेंगे हिंदी के सामने चुनौती सबसे बड़ी तब आई जब इंटरनेट हमारे बीच में आया और अंग्रेजी भाषा में था आज यदि इंटरनेट के आंकड़े आप देखें तो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त की जाती है अंग्रेज़ी लेकिन आंकड़ों में देखें तो फिफ्टी यानी कि इक्यावन आठ प्रतिशत जो डाटा है वो उपलब्ध है अंग्रेजी में और अंग्रेजी यूज़ करते हैं एक पॉइंट चार छः अरब लोग अब आप हिंदी में देखें डाटा उपलब्ध है मात्र दो प्रतिशत और प्रयुक्त कर रहे हैं इकसठ करोड़ लोग और यदि अनुपात देखेंगे तो हिंदी सबसे ज्यादा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा आज इंटरनेट पर भी है और जिस तेजी से 95 फाइव प्रतिशत पचानवे प्रतिशत की तेजी से ये बढ़ रहा है इसका प्रयोग इसलिए इंटरनेट पर भी निरंतर आप देखेंगे तो सारा जो ज्ञान है वो उपलब्ध होने लग गया है हिंदी में हिंदी में जो शोध का प्रश्न आ रहा है तो अब आप देखेंगे कि ज़्यादातर शोध के लिए भारत सरकार भी और हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के स्तर पर भी शोध को हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं एक जो बड़ी अड़चन ये आती थी कि आप यूरोप में जाएंगे या किसी और भी विदेश में मैंने यूरोप इसलिए किया क्योंकि स्थानीयता को लेकर उनका जो प्रेम है आप जाएंगे तो पूछेंगे जैसे आपने कुछ भी पूछा तो कि डू यू नो इंग्लिश आप इंग्लिश जानती हैं तो आप कहेंगे हाँ तो वो अपनी भाषा में बोलना शुरू कर देते हैं वो आपको ये भी नहीं बताते कि रास्ता क्या है वो फ्रांस में अपनी फ्रेंच यूज करेंगे या अपनी लोकल भाषा में वो बताते हैं कि हमारा प्यार जो है अपनी भाषा के प्रति है और जितने भी बड़े शोध होते हैं विश्व स्तर पर वो उसको अनुवाद करते हैं बहुत तेजी से हमारी भाषा में पहले हिंदी में समस्या थी कि वो हिंदी में अनुवादित नहीं होती थी बल्कि जो लोग जाते थे शोध करने वो अंग्रेजी भाषा को अपना लेते थे लेकिन धीरे धीरे हम इस शोध को हमारी भाषा में उपलब्ध करवा रहे हैं इसलिए शोध का विषय भी हिंदी बन रही है आज इस इस मंच से एक आह्वान मेरा इन आने वाले देश के भविष्य के लिए कि आप भी आने वाले जो समय हैं उसमें रोजगार के लिए और शोध के लिए हिंदी भाषा में काम करिए ताकि हम भी अपनी मातृभाषा को उस स्तर पर देखें जिस स्तर पर अन्य भाषाएं पूरे विश्व भर में हैं जी बहुत बहुत आभार बहुत धन्यवाद जी हाँ हम बिल्कुल देखेंगे और ये हमारी ख्वाहिश तो है ही साथ ही साथ में हमारा संकल्प भी और आप देख पा रहे हैं कितना बढ़ चढ़ करके इसीलिए प्रश्नोत्तरी को प्यार मिलता है और इतने सारे लोग इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का हिस्सा बनने आते हैं वापस से अपने लिए तालियां जोरदार होनी चाहिए ना तो अगले सवाल पे बढ़ने से पहले मैं एक और शख्सियत हमारे बीच में आई हुई हैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे साथ में यहां पर आएं और अपने कुछ शब्द साझा करें जी हां मैं बात कर रहा हूं श्री अतुल अग्निहोत्री जी आप जीएसआई से आए हुए हैं एक बार जोरदार ताले हो जाए अतुल जी के लिए अतुल जी दो शब्द राजभाषा राज पखवाड़े के लिए हिंदी राजभाषा जैसा कि कार्यक्रम चल रहा है आप में से कोई बता सकता है कि आप सपना किस भाषा में देखते हैं ड्रीमिंग कोई अंग्रेजी में भी देखता है क्या नहीं। तो वहीं से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। ये हमारी मातृभाषा भी है क्योंकि हम का क्षेत्र के निवासी हैं और जो विरासत में हमारी पीढ़ी को मिला हम चाहते हैं कि उसमें से कुछ बढ़ा के नहीं तो कम से कम उतना हम आप सबको देख के जाएँ आप सभी यहाँ पे युवा वर्ग बैठे हुए हैं कॉलेज में प्रयास होने चाहिए कि सरकारी तौर पर तो हिंदी का प्रचार प्रसार हो ही रहा है लेकिन जब आप हिंदी में जैसा कि सपना भी देख रहे हैं और वो सच भी होते हैं तो मैं ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मुझे कि आने वाला भविष्य ऐसा होगा कि हमारी हिंदी विश्वभाषा के स्थान पर सुशोभित तो होगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्या बात है कहते हैं ना आमीन तो वो वाली बात बोली है अतुल जी ने बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ मेरा अगला सवाल जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है ये कि आपको मुझे बताना है हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर मैंने एक शब्द पे स्ट्रेस किया है इसलिए ध्यान दीजिएगा हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर कितने स्वर और व्यंजन होते हैं उच्चारण के आधार पर मेरा सवाल है कितने स्वर कितने व्यंजन व्यंजन से पेट में नहीं वो वाला नहीं और भी व्यंजन होते हैं हाँ बाय कह रहा बाय कोई मासूम सा चेहरा मैं ढूंढ रहा हूँ नहीं बाकी स... दिख नहीं रहा मेरे को सारी मासूम ऐसे करके बैठ गए अच्छा आ, उस साइड में नहीं आया हूँ ना चलो बेल जी आपके पास आ जाता हूँ बताइए एक ग्यारह स्वर और तैंतीस व्यंजन ग्यारह स्वर और तैतीस व्यंजन होते हैं नाम एक वो बता दो वैसे तो अध्यात्म जगधारी अध्यात्म हिंदी राजभाषा तो इतना खतरनाक नाम तो आना ही था सही जवाब है क्या इनका लग रहा है आपको तो दे देना चाहिए ना अवार्ड तालियों के साथ में ज़ोरदार वाला बिल्कुल सही जवाब आध्यात्म आपका सही बोल रहा हूं ना मैं आपका नाम का ओके okay. सो so, ग्यारह स्वर और तैतीस व्यंजन होते हैं स्वर मुख्यता अ ई ई होते हैं और व्यंजन विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे क ख ग सो ऑन स्वर की बात हो रही है स्वर तो क्यों ना किसी ऐसी शख्सियत को बुलाया जाए जो स्वर के बारे में हमें थोड़ा सा ज़्यादा बता पाएं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ श्रीमती वंदना कल्ला मैम जो कि एच हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान म्यूज़िक डिपार्टमेंट की तालियाँ एक बार जोरदार वंदना मैम के लिए मैम जब म्यूज़िक की बात होती है या फिर संगीत की बात होती है स्पेशली क्लासिकल म्यूज़िक की अगर हम बात करें आप एच हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में हिंदी भाषा का कितना प्रयोग है कितना महत्व है थोड़ा सा हमें बताएं प्लीज़ uh, सबसे पहले मैं दूरदर्शन को शुभकामनाएं देती हूं कि जो पखवाड़ा आपने ऑर्गेनाइज किया है ये बहुत ज़रूरी है और uh, मैं आदरणीय जो वाइस चांसलर साहब सामने बैठे उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और जैसा सभी समझते हैं कि गवर्नमेंट में ये होता है कि ऑफिशियल वर्क सारा हिंदी में ही किया जाएगा जी और हिंदी नंबर वन पे जाएगी जैसा अतुल सर ने बताया और बहुत अच्छा बीना जी ने भी बोला लेकिन जहाँ संगीत की बात करें तो मैं इसमें एक दो चीज़ बताना चाहूँगी कि हिंदी मतलब देवनागरी लिपि है जी. देवों की नागरी की भाषा है और जब देव की और संतों की वाणी करेंगे तो उसमें संस्कृत तो आनी है हुँ. तो संस्कृत एक शब्द की ऐसी आ, लगता है मुझे ग्रामर का है या एक पहला एकांश एक है जब संस्कृत से कई भाषाएँ डेवलप हुई है ऐसा रिसर्च बताता है जो आपने बहुत लंबी बातें हमने सुनी एक्सपर्ट से तो मेरा यही मानना है कि अगर हमारा किसी स्किल को लेके हम उसका विज़न देखें या हमारा कुछ प्रनाशन को लेके देखें तो हिंदी और संस्कृत पहले आएगा और ऐसे लोग भी देखें जो किसी भी लैंग्वेज को समझते नहीं हैं और हिंदी का अगर उनको बता दिया जाए तो हिंदी में गाना तुरंत गा लेते हैं इवन छोटे बच्चे अगर बोलने में स्पीच थेरेपी क्यों बताई जाती कि पोएट्री से बच्चा जल्दी सीखता है तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो मुझे लगता है कि हर भाषा की एक संपूर्ण ऐसी हमारे पास स्किल है जो किसी भी पर्सन पे हम अप्लाई कर सकते ये चीज़ है और एक जो मेरा एक छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट था या मैंने इसको एज ए सब्जेक्ट समझ लो जी या शास्त्रीय संगीत की बात करें जी तो उसमें हिंदी रचना आती है और उसमें हिंदी ऐसी आती है जो ब्रज को लेकर के होती है रसखान का देख लीजिए सूरदास जी का देख लीजिए लेकिन वो हिंदी ऐसी होती है कि जब तक हम हिंदी खुद समझेंगे नहीं तो हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये जो दोहा है ये छंद है इसमें क्या वर्ण है और क्या स्वर प्रयोग किया ये ऐसा मेरा मानना है क्या बात है मैम बहुत ही सरलता से आपने बात रखी बहुत बहुत धन्यवाद मैम बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ लेकिन अगले सवाल की तरफ हाँ देखिए क्या था हाँ अगले सवाल बट हिंदी की देखिए बात हो रही है और हिंदी एक बार चेक भी किया जाए कि अगर मैंने जब अपनी शुरुआत में बात कही थी तो बोला था कि विदेशों में भी हिंदी बहुत चलती है तो कुछ विदेशी छात्र भी हमारे बीच में आए हुए हैं छात्र छात्राएँ है हमारे साथ में आए हुए हैं मैं विदेशी छात्र जो आए हुए हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ आप में से कोई प्लीज़ हमारे साथ एक बार यहाँ मंच पर आए एक बार ताले हो जाएँ प्लीज़ ज़ोरदार पहले अपना नाम बताइए और हिंदी आपको पूरी आती है आती है आती है पूरी आती है पूरी क्या बात है शायद नहीं बस आती है काफी आती है इतनी आती है कि आती मेरी है। आप बात समझ पा रही हैं आप मुझे काम चलेगा काम चल जाएगा, <laughs> चल जाएगा। <laughs> काम चल जाएगा, <laughs> चल जाएगा। <laughs> नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर फातिमा मोहम्मद पेरो है मैं ईरान ईरान के हूँ ए, मुझे आठ साल पहले ईरान से जयपुर में इंडिया में आया भारत में आया आयुर्वेद सीखने के लिए ए, अगर आयुर्वेद सीखना चाहिए हिंदी भाषा पक्का लर्न करना चाहिए इसलिए मुझे सब ए, फ्रेंड कॉलेज में मदद किया एंड मुझे हिंदी सीखा क्योंकि अगर हिंदी पता है आयुर्वेद और वेद और गीत भी समझ आएंगे। इसलिए सनातन संस्कृति के लिए मुझे हर दिन कोशिश करेंगे थोड़ा 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 हिंदी और सीखना और थोड़ा 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 करके आप इतनी सारी गई कि आप पूरा हिंदी बोल पा रही <स्याँगा> हो जाए एक्चुअली अक, क्योंकि हिंदी आयुर्वेद के लिए बहुत बहुत जरूरी है जैसे आयुर्वेद में कुछ सब संस्कृत है कुछ श्लोक है औशंग हृदय में ये श्लोक है मदन मधुकनंब निंब बिंबी भी विशाल थ्रपुसकुत जमुर्व देवदाली क्रमिकनम ऐसे अगर हम आयुर्वेद अच्छा प्योर आयुर्वेद देखना है हिंदी 100% लर्न करना चाहिए क्या बात है तालियां प्लीज एक बार जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मैंने ना छात्र छात्राएं दी थी तो छात्राएं में से तो एक छात्र आ चुके कोई छात्र भी आना चाहता हैं जो बाहर से आए हुए हों विदेश से हों जी एक छात्र भी खड़े हो चुके हैं छात्र छात्राओं की बात हुई थी। हो जाएं, प्लीज जोरदार बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना नाम बताइए और हिंदी प्रॉपर आपको पूरी सर। आती है जी सर मैं यहाँ आने के बाद हिंदी सीखी थी मेरा नाम, नाम डॉक्टर अविनेश नारायण हूँ और मैं वेस्ट इंडीज से हूँ सर ओके जी तो हिंदी प्रॉपर पता पूरी तरीके से आप बोल लेते हैं जी सर जी तो हिंदी कितनी महत्व कितनी महत्व रखती है आपके लिए क्योंकि आप आई थिंक आयुर्वेदिक में हैं मेरे हिसाब से हिंदी बहुत बहुत सुंदर भाषा है जो भी आप मतलब बोल बोलने में बहुत प्यारी लगती है सर इस बात बहुत जोर होनी चाहिए और मैं यहाँ पे आए आए हूँ आयुर्वेद सीखने के लिए और कुलपति महोदया से बहुत बहुत धन्यवाद आ, हम अपॉर्चुनिटी देते हैं आयुर्वेद सीखने के लिए और हमारे सेवा आ, जयपुर के लोग की सेवा करने के लिए हम देते हैं सर क्या बात है जी सर इस तरह से आप सेवा देते रहे इस तरह से आप अच्छे अच्छी हिंदी बोलते रहे हम लोग का दिल जीतते रहे प्लीज तो मेरा अगला सवाल जो आ रहा है वो अभी क्यों ना ऐसा सवाल लिया जाए जिस देश से आए उस देश में भी वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय और हमारे देश में भी बहुत लोकप्रिय मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट की खेलते हैं आप जानते हैं आप? आपको मुझे बताना है कि क्रिकेट को हिंदी में क्या बोला जाता है खड़े बस होना बाकी है पीछे वालों को भी देना चाहिए आगे वालों को मौका मिलेगा तो गलत है वहाँ जाता हूँ माइक पीछे प्लीज पास ऑन कर दीजिए सर मेरा नाम राजेंद्र है और प्रतियोगिता का नाम है क्रिकेट को हिंदी में बोलते हैं गोलगट्टम लकड़पट्टम प्रतियोगिता नाम बताइएगा अपना राजेंद्र नाम बताया आपने जी सर इतना शब, लंबा शब्द आपको याद था जी सर खेलते भी हैं आप बिल्कुल सर क्या बात है एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए इनके लिए चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बड़ा ही रोचक सवाल आपसे लेता हूं आप सब मूवीज को बहुत पसंद करते होंगे मेरा सवाल मूवी से ही जुड़ा आ रहा है फिल्मों जुड़ा आ रहा है रोचक सवाल है आपको मुझे बताना है कि हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी अरे ये देखिए सिनेमा प्रेमी आप कम थोड़ी ना है इधर भी आ जाओ प्लीज तो आपको अब इसकी जगह ना ऐसे करना पड़ेगा भगवान शायद सुन ले भगवान है ना उस साइड से लिया था आगे से लेते हैं आगे से हाँ

तो अनीता बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब है आपका आलम आरा हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी ये और 14 मार्च 1931, 14 मार्च 1931 को रिलीज़ किया गया था और आलम आरा ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नई दिशा प्रदान की थी बताना चाहता हूँ आपको कि ये फिल्म में पहली बार संवाद भी किया गया था और गाने भी थे क्योंकि बोलती फिल्म थी इस फिल्म ने दर्शकों को सिनेमा के प्रति आकर्षित किया था और बोलते हुए सिनेमा की शुरुआत की थी प्लीज एक बार तालियां जोरदार हो जाएं। चलिए इनाम तो बहुत सारे मिल रहे हैं तो इनाम को लेकर के ही मैं एक शख्सियत को आपके बीच में रूबरू कराना चाहता हूं मैं बुलाना चाहता हूं श्री राकेश जैन जी को प्लीज एक बार तालियां जोरदार हो जाएं राकेश जी के लिए राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन परिवार में बहुत बहुत धन्यवाद आपका सो so, हम सब के लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि आज हिंदी पखवाड़े के अवसर पर हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का आयोजन आप सबके लिए कर पाए और आप सब ने संकल्प भी लिया कि हम हिंदी के प्रोत्साहन और उन्नयन के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे आप सबके लिए ये जो पुरस्कार सम्मान भेंट स्मृति चिन्ह जो आप तक पहुँचे ये हमारे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से प्रदान किए गए थे हम आभार व्यक्त करते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का और उनके कुलपति श्री संजीव शर्मा जी का जिन्होंने ये सहर्ष स्वीकार किए कि आप सबके लिए स्वयं उपस्थित हुए और आप सबको प्रोत्साहन स्वरूप ये गिफ्ट्स प्रदान किए और आप सबने और हम सब ने मिलकर संकल्प लिया कि आने वाले वर्ष में दिनों में हम सब भविष्य में हिंदी के प्रोत्साहन और संकल्प के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे आभार संकल्प हमने जैन साहब लिया है और एक और संकल्प मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ हमने स्वच्छ भारत का भी संकल्प लिया है याद है ना आप सभी को उससे जुड़ी हुई एक बहुत सुंदर बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता क्या बात है इसमें सब कुछ बोल दिया गया है अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप अपने आप में ही आपके अंदर वो फीलिंग आएगी वो मन करेगा कि स्वच्छ भारत रहे स्वच्छ हमारे आसपास रहे हम खुद स्वच्छ रहें और एक स्वच्छता को लेकर के दुनिया में एक बहुत बड़ा संदेश दें प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाओ मजा आ रहा है बस ऐसा लग रहा है कि मैं सवाल करते जाऊं जवाब आते जाए लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है और आप सबको धन्यवाद मैं तो दूंगा ही लेकिन एक और शख्सियत है जो आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं तो क्यों ना उनको बुलाया जाए सुरेश चंद्र मीणा जी तालियां बार सुरेंद्र जी के लिए जोरदार वाली दूरदर्शन परिवार की ओर से आयोजित इस राजभाषा सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सभी पधारे आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं साथ में ये निवेदन करते हैं कि आप में ज़्यादातर युवा पीढ़ी हैं कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थी हैं तो हिंदी के प्रचार प्रसार और उसको अधिक से अधिक बढ़ाने में अपना योगदान देंगे धन्यवाद धन्यवाद मीना सर धन्यवाद आप सभी का और जितने दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अगर अगली बार आप भी आना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से हम से जुड़े और अगली प्रश्नोत्तरी में हम चाहेंगे कि हम प्रश्नोत्तरी आपके साथ ही यहां पर इंजॉय करें फिर एक बार हम सबके लिए जोरदार तालियां मिलते हैं अगले कार्यक्रम में धन्यवाद